प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दीप्ति। आज जो हम उपविषय पढ़ने जा रहे हैं वह है सर्वनाम। सर्वनाम जानने से पहले हम संज्ञा की परिभाषा की दोहराई करेंगे। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भाव क्या था? खट्टा, मीठा। स्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, आगरा। अब हम चलो सर्वनाम की परिभाषा पढ़ते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। सर्वनाम शब्द कई प्रकार के होते हैं। अपने लिए, दूसरों के लिए, किसी अन्य के लिए, बड़ों के लिए। अब सबसे पहले हम अपने लिए पढ़ेंगे। जैसे कि मैं, मेरा, हम। मैं कल स्कूल जाऊंगा। मेरा नाम रोहित है। हम कल घूमने जाएंगे। यह अपने लिए हम कौन कौन से शब्द यूज करते हैं? मैं, मेरा, हम। दूसरों के लिए तुम। तुम्हें क्या चीज पसंद है? तुम्हें कहाँ जाना है? किसी अन्य के लिए, यानी कि ये थर्ड पर्सन के लिए, उसको क्या कहेंगे? यह, वह, वे। बड़ों के लिए आप, आपका। अगर हमने अपने से किसी बड़ों से बात करनी है, उसके लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे? आप कहाँ जा रहे हो? आपका क्या नाम है? यह सब कौन से सर्वनाम शब्द है? अपने बड़ों के लिए। चलो बच्चों, हम आइए बच्चों, कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में से हम सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करते हैं। वह नाच रही है। यहाँ पे सर्वनाम शब्द कौन सा दिया गया है? वह। हम स्कूल जाते हैं। इनमें से ढूंढो सर्वनाम शब्द कौन सा है? हम। मैंने खाना खा लिया है। इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द है? मैंने। तुम कहाँ जा रहे हो? इसमें से कौन सा है? तुम। मेरी पुस्तक खो गई है। इसमें है मेरी। बच्चों, आपने सर्वनाम की परिभाषा और उसके प्रकार को जाना है। कहाँ कहाँ हमने उन शब्दों को यूज करना है और बोलना है। आपने अपनी व्याकरण वाटिका पृष्ठ 33 में से इसको एक बार दोबारा से पढ़ना है और उसकी दोहराई करनी है। धन्यवाद।